हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है वाइन के नेम के लिए कमेंट आया था कि बताइए। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ वाइन्स के नेम बताऊंगी जिन्हें आप कहीं पर भी चढ़ाकर अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेन गेट पर हो गया, किसी बालकनी की बाउंड्री पर हो गया, या फिर बाहर गेट के पास ऐसे दीवार के आसपास चढ़ाकर आप कैसे भी अपने घर की सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं। तो जिस भी वाइन का नेम आपको बताऊंगी, साथ में आपको उसके प्राइस भी बता दूंगी, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कौन सा प्लांट किस रेंज में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे सामने आप ये देखिए वाइन, ये मधुमालती है, रंगून रैपन भी बोलते हैं, झुमका वाइन भी बोलते हैं, इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। और इसके फूलों में से खुशबू आती है, भीनी भीनी सी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और सबसे अच्छी बात है, इसके देखिए 2-3 कलर में इसके फूल होते हैं, डार्क और वाइट, मतलब डार्क और लाइट कलर में, 2-3 कलर में एक ही वाइन पर इसके फूल आते हैं। और ये हमारे पास 2 साल पुरानी वाइन है, इस पर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कितनी पुरानी है। तो ये 2 साल पुरानी हमारी वाइन है, और ये वाइन हमें 80 रुपीज़ की ये हमें मिली थी। आपको ये 60, 80 या फिर 100 रुपीज़ तक मिल जाती है ये वाइन की। एक हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, जिसे कि आप गमले में भी लगा सकते हैं। उसकी लीव्स छोटी होती है, फूल उसके सेम ये ही होते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसकी कि आप इसे कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो आप अभी इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। कटिंग आप जब भी लें, थोड़ी हार्ड कटिंग लें, इस तरीके की कटिंग आप लें, देखिए हार्ड सी, बिल्कुल सॉफ्ट कटिंग बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सॉफ्ट कटिंग नहीं चलती है, हार्ड कटिंग ही चलती है हमेशा। तो आप कटिंग जब भी लगाएं, हार्ड कटिंग लगाएं। सुंदर बहुत लगती है ये वाइन, आप गमले में भी लगा सकते हैं, और ज़मीन में लगा लेते हैं तो ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी रखिए, ताकि पानी वाइन में ज़्यादा देर ना रुके, और बहुत अच्छे से आपके पास ये ग्रो होगी। और फ्लावरिंग भी देखिए, इसके बहुत प्यारे फ्लावर लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी वाइन है आलमंडा, इसे देखिए आलमंडा बोलते हैं, येल्लो कलर के इस पर फ्लावर आते हैं, और इसके फ्लावर देखिए बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें 2 कलर आपको मिल जाते हैं, एक इसमें पर्पल कलर मिलता है, और एक इसमें ये येलो कलर मिलता है। ये वाइन भी बहुत सुंदर लगती है, देखिए हमने इस तरीके से इसे फैला के रखा हुआ है, और ये आपको 150 की मिलेगी। हम इसे 150 की ही लेकर आए थे, तो हमने इसे यहाँ पर देखिए गमले में लगाया हुआ है। और अगर आप इन्हें गमले में लगा रहे हैं, तो 11 से 12 इंच तक का पोट इनके लिए आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, उसमें अच्छे से ये फैल भी जाती हैं। और गर्मियों में देखिए बहुत ही पूरी ऐसी वाइन है सभी, जो कि पूरी गर्मियाँ आपको फ्लावर देती रहेंगी, और आपके घर की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। गमले में जैसे हम लगा रहे हैं, तो वेलड्रेन मिट्टी तो हम रखते ही हैं, ताकि पानी ज़्यादा देर तक ना रुके। ड्रेनेज होल भी आपको अच्छे से चेक करना होता है, ताकि पानी बिल्कुल भी ना रुके। प्लांट जो हमारा ख़राब होता है, ज़्यादातर पानी की ही वजह से होता है। अगर उसमें ज़्यादा पानी रुक जाएगा, तो ना तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, और ना ही मतलब जड़ें उसके अच्छे से रह पाएंगी, जड़ें गलने लग जाती हैं नीचे से। तो ये जो सभी वाइन है, डायरेक्ट धूप में रखिए, आप पूरा दिन की अच्छी सनलाइट में रखिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं। फूलों वाले जो प्लांट हमारे होते हैं, उन्हें ज़्यादातर धूप की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप इस वाइन को भी अपने घर में लगा के ऐसे फैला के देखिए, अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। बहुत प्यारी वाइन है आलमंडा। तो फ्रेंड्स, हम सभी वाइन्स के नेम आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे आपको लिखे हुए। इसे भी आप कटिंग से भी तैयार कर लेते हो, और एयर लेयरिंग से भी हम इसे तैयार कर लेते हैं। एयर लेयरिंग कैसे होती है? एयर लेयरिंग जैसे कैसे बताएं, यहाँ से कोई ब्रांच जैसे ले के हम, और इस पर हम मिट्टी रख देते हैं, और उसे अच्छे से बांध देते हैं बिल्कुल, तो वो होती है हमारी एयर लेयरिंग। वहाँ मतलब जिस भी जगह पर हम मिट्टी लगाएंगे, वहीं से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे ये ब्रांच निकल रही है, और
इस ब्रांच को हम इसी के पास ऐसे यहाँ पर मिट्टी में मतलब दबा देंगे, अच्छे से इसे बिल्कुल कवर कर देंगे, तो ऐसे होती है एयर लेयरिंग। यहीं से इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी और यहीं से इसका दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आप इसे कटिंग से भी तैयार कर लेते हो और एयर लेयरिंग से भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी वाइन है अपराजिता। अपराजिता बहुत सुंदर वाइन होती है। इसके येलो कलर के, सॉरी येलो नहीं, ब्लू और वाइट दो कलर इसके मिलते हैं आपको, और बहुत सुंदर सी वाइन लगती है ये। सबसे अच्छी बात है घर में बहुत शुभ मानी जाती है अपराजिता वाइन, और पूजा के फूलों मतलब पूजा में इसके फूल चढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसके पास ही इसके फलियाँ बनती हैं, उन्हीं फलियों से हम इसे ग्रो कर लेते हैं। इसी के ऊपर इसकी फलियाँ बनती रहती हैं, उन्हीं से हम इसे ये ग्रो हो जाती है घर पर ही बहुत आसानी से। और आप इसे अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो 50 से 60 रुपीज़ की ही आपको मिल जाती है, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और इसके देखिए ये ऐसे वाले इसके फ्लावर होते हैं, बहुत सुंदर लगती है ये वाइन भी अगर आप फैलाते हैं तो, और बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ पकड़ती है ये, बहुत जल्दी कटिंग से भी चल जाएगी और बीज से भी चल जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर हमारी है वाइन बुगनवोलिया। बुगनवोलिया एक ऐसा प्लांट है जिसे अगर आप वाइन बनाओ तो कहीं पर भी चढ़ाकर बहुत सुंदर इसे बना सकते हो, और अगर आप इसे गमले में लगा रहे हो तो बोनसाई की तरह इसकी कटिंग करते रहिए। इस बुगनवोलिया के बहुत सारे कलर मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कलर, और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी मिलती हैं। हाइब्रिड वैरायटी आपको इसकी 150-200 तक मिलेगी, और जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो आपको इसकी 80 और 60 के रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। गमले में रखेंगे तो वही बताएंगे फिर से, वेलड्रेन मिट्टी रखिए ताकि पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो। चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें पानी रुकता है और उससे प्लांट की जड़ें ख़राब होती हैं, तो वेलड्रेन मिट्टी रखिए, बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा तो प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। गमले में अगर आप बुगनवोलिया को लगा रहे हैं तो टाइम टाइम से कटिंग करते रहिए, जितना कटिंग करोगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, उतना ज़्यादा घना आपका प्लांट होगा। ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट हमारी वाइन है, नेक्स्ट है ब्लीडिंग हार्ट। बहुत ही प्यारी वाइन है, फ्लावर इसके इतने सुंदर लगते हैं, कलरफुल, बहुत सारे कलर इसके भी आपको मिल जाते हैं ब्लीडिंग हार्ट के। और ये अभी फरवरी में आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, फरवरी के बाद जो इसकी ग्रोथ होती है पूरी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देगी, और जैसे अभी बरसात का सीज़न है तो इस टाइम पर इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर देखने को मिलते हैं। बहुत प्यारी वाइन लगती है, पीछे की साइड से रेड और मतलब पीछे की साइड से रेड और सामने से इसके वाइट फ्लावर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इस वाइन को अगर आप 3 से 4 घंटे की ही धूप में रखें तो ये ज़्यादा अच्छी चलती है, उससे ज़्यादा धूप में अगर आप इसे रखते हैं तो इसकी लीव्स हल्की ब्राउन होने लग जाती हैं। तो ब्लीडिंग हार्ट को आप थोड़ा शेमी शेड में रखिए, बहुत अच्छी वाइन है, बहुत सुंदर फूल देती है। ये वाइन आपको थोड़ी कॉस्टली भी मिलेगी, ये महंगी थोड़ी मिलती है नर्सरियों में, 300 या 200 के आसपास ही आपको मिलेगी, 250 या फिर 300, इन दो रेंज में आपको ये नर्सरीज़ में मिल जाती है। इसे भी आप कटिंग से भी लगा लेते हैं और मतलब सीड से भी ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाली है। नेक्स्ट हमारी वाइन है मैंडेविला। मैंडेविला भी बहुत प्यारी वाइन है, और इतने प्यारे प्यारे इसके फ्लावर होते हैं, बहुत सारे कलर मिलते हैं इसके भी, और ये इसके जो फ्लावर होते हैं अडेनियम सेप के फ्लावर होते हैं, जैसे अडेनियम के फूलों का साइज़ होता है, सेप होती है, सेम वही इसके फ्लावर की सेप होती है। ये आलमंडा की ही वैरायटी की है, लेकिन इसके फूलों का साइज़ थोड़ा अलग होता है। बहुत प्यारी वाइन है, आप इसे भी अपने घर पर या मेन गेट पर कहीं पर भी चढ़ाकर अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं।
और कटिंग से भी तैयार हो जाती है और एयर लेयरिंग से भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हमारी वाइन है रंजाई या फिर क्लेमेट्स, बहुत प्यारी वाइन है ये भी। इसके फूलों में से खुशबू आती है बहुत ही अच्छी। अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर को ये फूलों की खुशबू से महका के रखती है और इसके फूल बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, कलरफुल होते हैं, कई सारे कलर में ये आपको मिल जाती है और पूरी गर्मियाँ आपके घर में मतलब बहुत सुंदर बना के रखेगी, पूरी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। तो इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, क्लेमेट भी बोलते हैं, रंजाई भी बोलते हैं। ये वाइन आपको 165 या फिर 200 के आसपास मिलेगी, बहुत अच्छी वाइन होती है ये भी। रंजाई वाइन की बस हल्की जैसे गर्म सर्दियाँ होती हैं तो उनमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है, उस टाइम पर आप इसे मतलब रेस्ट पीरियड होता है तो उस टाइम पर आप इस ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा ना छेड़ें। तो उस टाइम पर सिर्फ आपको इसमें लिक्विड डालने की ज़रूरत है 20 दिन में एक बार, इसके अलावा उस प्लांट को ज़्यादा छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसे भी आप कटिंग से भी तैयार कर लेते हैं और ईयर लेयरिंग से भी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।